राधे। तो भाई कैसी है मेरी YouTube फैमिली, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं लगा रही हूँ सावन के महीने में मेहंदी। कहते हैं सावन के महीने में मेहंदी लगाना बड़ा शुभ होता है, तो अभी मुझे चूड़ियाँ भी डालनी है, लेकिन जाया नहीं जा रहा है मार्केट। और ये है रिपो, मतलब मेरे जेठ जी हैं उनकी बेटी है ये, तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो उसको बुलाया था मैंने कि तो मेरे को ना मेहंदी लगा देना। तो ये यहाँ आई थी, बहुत प्यारी बच्ची है, और बस यहाँ पे बैठ के फिर गप्पे शप्पे मारी। और ये देखो अंकित को, ये भी बोल रहा है मामा मैं बीड़ी पी रहा हूँ। यहाँ पे ये फ़ोन में पता नहीं अंशु क्या क्या बोलती रहती है, और खुद ही ऐसे ही ब्लॉग बनाती है और खुद ही सेव करती रहती है अपने ही फ़ोन में। मतलब ब्लॉग ऐसे नहीं बनाती है पब्लिकली, अपने ही फ़ोन में ये रखती है, कुछ भी बोलती है कुछ भी करती है, फिर दिखाती है कि देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस ये चला हुआ था इनका। और ये रिप्पू है, ये अंकित से 10 दिन बड़ी है, 10 दिन बड़ी है, मतलब दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पे बस हंसी मजाक चल रहा था इन बच्चों का, और मैं भी बैठी थी, फिर उसके बाद चाची वगैरह भी आ गए थे। बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्जॉय भी करते हैं, ऐसे तो पूरा दिन करना भी क्या, छुट्टियाँ पड़ी हैं बच्चों को, और पता नहीं कब ये रिप्पू भी चली जाएगी, अंशु भी, अंकित भी, फिर ये सारे अपने अपने कॉलेज में चले जाएंगे। कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, पेरिनो दीदी की वीडियो कॉल आई थी। तो इस बरसात की वजह से ना बिजली पानी सारा ठप हो गया था, बिजली भी एक दिन पूरा दिन नहीं आई थी, और पानी भी आज कोई 5-4 दिन के बाद आया है, तो इतनी मुश्किल हो रही थी। पानी तो पानी आया 5-4 दिन के बाद, बस अभी लगाया है मैंने, तो देखती हूँ कितनी देर आता है कितनी देर नहीं आता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश हुई है उस बारिश से सारी नालियाँ जो थी वो टूट गई हैं, पाइपें टूट गई हैं, और अब देखते हैं कितना पानी आता है कितना नहीं आता है। तो भर लेती हूँ पानी पहले। और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पे मैंने जो प्लांट बताए हैं मैंने, तो ये देखो एक ये पता नहीं नींबू है कि खट्टा क्या है, ये भी अभी बरसात अच्छी हो गई है तो अभी इसको निकालना है यहाँ पौधे से। और एक ये है नींबू का पेड़, ये वाला, ये भी अब लगाना है क्यारी में नीचे। और एक ये है, ये अभी बरसात शुरू हो गई है, मैंने पिछले साल लगाए थे गमलों में, तो अभी लगाऊँगी इनको क्यारियों में। तो देखती हूँ कि कब लगाती हूँ इनको, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं तो अब बरसात में लगते हैं ये पेड़ पौधे। तो मैं पानी भर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे जैसे बारिश ख़त्म हुई थी तो पक्षी वगैरह आ रहे थे यहाँ पे ना, तो यहाँ छत पे बैठते हैं बेचारे, तो ढूंढते हैं खाने को, तो यहाँ पे मैंने चावलों के दाने डाले थे। तो ये देखो एक चिड़िया आ गई है यहाँ पे। और ना जब कोई मतलब मैं कुछ डालूँ ना तो जैसे पक्षी आते हैं ना खाने, तो मेरे को बड़ा सुकून सा मिलता है। और ये देखो ना एक यहाँ पे छोटे से बिल्ली का बच्चा, ये देखो ये यहाँ पे ना अंदर लकड़ियाँ रखी, लकड़ियों के अंदर छुप जाता है ये। और एक थी चिड़िया पहले, तो अब 2-3 और हो गई हैं यहाँ पे, ये देखो एक और दिख रही है आपको। तो ये ना बड़ा अच्छा सा लगता है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है, और हम इनका मतलब इनका खाने को कुछ हम दे सकते हैं। हम तो कौन होते हैं देने वाले, ये तो अपने दाना खाने खुद आते हैं, लेकिन भगवान ने हमें एक जरिया बनाया होता है, तो ये अपना जो है वो अपना खाना खाते हैं, मतलब अपनी किस्मत का खाना खाते हैं। तो अंकी को भेजा था, अंकी भी आ गया अभी। तो आज है एकादशी, और एकादशी की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ आपको, और आपके विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, मतलब वीरवार के दिन की क्लिप। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, कभी शाम को तो डेली बारिश आ जा रही है, तो रात को भी अच्छी बारिश हुई है। तो आज बहुत अच्छी धूप खिली है बाहर, और मेरा है फास्ट आज एकादशी का। मुझे जो था वो आज जाना था फिर से अपने मठ, एकादशी है तो किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई वहाँ पे, तो आगे आने वाली एकादशी जो दूसरी एकादशी होगी मैं उसको देखती हूँ कि जब उस दिन भी जा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन आज जो है वो मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि किसी कारण से मैं बिज़ी थी आज। तो अभी अंशु ले आई है चाय, और चाय है मेरी गुड़ की, तो अभी इसको पी लेती हूँ। फिर ये देखो ये अंकी को भेजा था मैंने आम लाने, ना थोड़ा सा अचार मैंने पहले डाल दिया था, तो उसकी जो रेसिपी थी वो मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, तो वो ऐसे निकल गया था माइंड से, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं जो था वो मैंने किया था वो,
मतलब आमों जो आम थे उनको काटा था और अच्छी तरह से चीर के फिर उसमें टाइम लग गया था, तो माइंड से वैसे स्लिप हो गया था कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो वो अचार जो था वो चाची जी ने ही डाला था। तो ये जो अभी आम मंगवाए हैं मैंने अंकी से, क्योंकि थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बनाना है, मतलब पतले जो पतले वो तो मैंने सटकों वाला बनाया ना जिसमें वो सटक होते हैं, मतलब पोहे वाला अचार। तो ये जो अचार है ये बनाऊंगी मैं, जैसे पतला पतला, इसमें वो जो अंदर कोआ होता है ना आम का वो नहीं मैं डालूंगी। तो इस तरह से ये आम लाया है अंकी ना, तो देखते हैं कितने लाया है। ये है मतलब कम से कम कोई ख्याल से 3 किलो होंगे आम। तो इनको पहले धोऊंगी, फिर इनको अच्छी तरह से साफ करने के बाद फिर काटूंगी। तो मसाला तो मैंने पहले ही रखा है, इनका जो पहले अचार डाला था उसका बचा है थोड़ा सा, तो वो इसमें मैं डालूंगी। ये मैं दूसरे तरीके से जैसे मैं ये काटती हूँ, ये सारी रेसिपी जो है मैं आपसे कल शेयर करूंगी। तो ये आम लाया है कि इसको भेजा था मैंने, वहीं से लाया जहाँ से मैंने आपको ना एक वीडियो पहले भी शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लीची बहुत कुछ लगा है उनके घर में, जहाँ से आलू वगैरह लाई थी पहले आम लाई थी वहीं से ये आम लाया है। तो फिर ये था आज का ब्लॉग, और दोबारा मैं बोलना चाहूँगी कि एकादशी की आपको बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएँ, और विष्णु जी आपके घर में सुख समृद्धि लाए और आप पे कृपा बरसाए रखें। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें प्लीज़। और मोनिका मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।